गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से अनीता अनीन हड़मंते कह रहे हैं गुरुदेव कि यह समस्या मेरी सहेली की है। इस लॉकडाउन के दौरान वह खुद को बहुत ही अकेली एवं डिप्रेस महसूस कर रही है। घर में वह और पति दोनों ही रहते हैं। इकलौती बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। उनके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिससे दुखी होना पड़े। भविष्य में हम दोनों अकेले हैं, यही समस्या उन्हें खाई जा रही है। पति भी रिटायर हो चुके हैं। भावना योग और स्वाध्याय करने में उनका मन नहीं लगता, जबकि उसे स्वाध्याय में विशेष रुचि थी। आपके उद्बोधन से निश्चित ही उन्हें राहत मिलेगी, यही आपके चरणों में विनम्र विनती है। देखिए, बहुत लोगों के साथ इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। ऐसे लोगों को एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। हम अकेले हैं संसार में, सब अकेला है, कोई किसी का कहाँ है। हम आए अकेले, जाएंगे अकेले, जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या, एक दिन देह जुदी होगी। जाना तो सबको है, लेकिन इस बात का मलाल मन में मत रखिए। हम संसार में हैं, नदी नाव संयोग है, जिसके साथ जितने दिन का साथ है। और ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुरूप संयोगों को प्राप्त करता है, इसलिए इसकी चिंता मत करिए। हर व्यक्ति का अपना पुण्य पाप है, और उसी पुण्य पाप के अनुरूप वो अपना जीवन जीता है। जो कल लेगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। अगर हमारा आज निकल गया तो कल भी निकल जाएगा। इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित और व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इस तरह की भावना लाने की जगह एकत्व की भावना लाओ और अपनी आत्मा का चिंतन करो। कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपनी आत्मा पर केंद्रित होगे। पर से अपेक्षा रखना महान दुखदायी होता है, और हम किसी से भी अपेक्षा रखें, दूसरा हमारी अपेक्षा की पूर्ति करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अपेक्षाएं संयोगों के ऊपर निर्भर करती है, पूर्ण हो और न भी हो। इसलिए अपने मन को बदलें, थोड़ा प्रवचन चिंतन और सत्संग से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। यदि इसमें जोड़ेंगे तो मन थोड़ा हल्का होगा। अपने आप को इंगेज करें, अच्छे कार्यों में इंगेज करें, और आप अपने आप को अकेले जो महसूस करते हैं, घर में हैं, सक्षम हैं, थोड़ा उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दे जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। आप उनके बीच थोड़ा समय बिताना शुरू करें, आपको अच्छा लगने लगेगा। या तो अपनी आत्मा में डूबो या समाज की सेवा में लगो। जीवन को आगे बढ़ाने का ये दो ही रास्ता है। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते, थोड़ा सत्संग का अभ्यास बना लो, पता ही नहीं लगेगा समय कैसे बीतता है।